ये स्टीयरिंग व्हील मेरे पास है ग्रैंड विटारा के लिए, तो इसमें मैंने क्रूज एक्टिवेट किए थे तो उसके बारे में जानकारी देनी थी। तो अभी चलते हैं हम कस्टमर के घर। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टीयरिंग, ठीक है? तो हम चलते हैं कस्टमर के घर, बाकी बात हम वहाँ पर करेंगे। मैंने एक ग्रैंड विटारा के अंदर क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट किए थे, तो कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि भाई उसका पूरा वीडियो बनाओ और कस्टमर से बात भी करो कि किस तरह से उसको एक्टिवेट किया और मतलब सिग्मा मॉडल ही है या नहीं है, ये भी शिकायत थी। तो अभी हम गाड़ी के पास जा रहे हैं, कस्टमर से बात करेंगे और मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। सिग्मा मॉडल ही है और सिग्मा में ही मैंने एक्टिवेट किया है। तो कस्टमर हमें भी आगे मिलने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बुलाया है उन्होंने। ये गाड़ी है ग्रैंड विटारा, सिग्मा मॉडल है। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आते और इसमें सिस्टम फिट नहीं आता, तो मैंने इसमें क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट किए थे, जिसका एक छोटा सा मैंने शॉर्ट बना के यूट्यूब में डाला भी था। तो डालने के बाद कुछ कमेंट मेरे पास आए थे, जो मेरे व्यूवर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके कमेंट आए थे कि भाई इसमें तुमने गाड़ी नहीं दिखाई, नंबर नहीं दिखाया। तो मुझे लगा कि यार चलो एक बार जाके इसका वीडियो बना लेना चाहिए और फीडबैक भी ले लेना चाहिए। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि सिग्मा मॉडल ही है, आप ये देख सकते हैं गाड़ी, ठीक है? अभी मैं आपकी कस्टमर से भी बात कराऊंगा, इन्होंने मुझे थोड़ा वक्त दिया बात करने के लिए। हम चलते हैं अभी गाड़ी के अंदर और सर से बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें एंड्रॉइड भी। हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार। क्या हाल है सर? सर बस अच्छे, आप बताइए। ये आप देख सकते हैं इसमें एंड्रॉइड नहीं आता सिस्टम के अंदर, और ये वाले बटन आते हैं लेकिन क्रूज कंट्रोल नहीं आता। तो ये मैंने क्रूज कंट्रोल इसमें एक्टिवेट किया था, मैं उस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने ऑन किया, वहाँ क्रूज ऑन हो गया, ठीक है? तो अभी सर से बात करते हैं। सर ये आप जो आए थे मेरे पास, आए तो आप शायद किसी और काम के लिए थे, हाँ जी सर। तो सर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला था, मतलब इस दुकान के बारे में, या किस वजह से मेरे पास आप आए थे? सर मुझे से एजेंसी वालों ने ही बताया था ठीक है, कि जो भी काम कराना है आप कोलिशंस वालों के पास जाना, ठीक है सर, वहां से बहुत अच्छी तरीके से आपका काम होगा। ठीक है। तो मैं आया था पता करने के लिए। तो तो जब आप मेरे पास आए थे तो आपकी गाड़ी में एंड्रॉइड इंस्टॉल था, कैमरे इंस्टॉल थे, तो हाँ जी, आप मेरे पास एंड्रॉइड में क्या ठीक कराने के लिए आए थे? तो कैमरों की सेटिंग कराने के लिए आया था अच्छा, मैं। आपके 360 जो कैमरे थे उनकी कैलिब्रेशन करनी हाँ थी, जी, और ये अपना शीशे क्लोज के लिए जो लॉक वो करते हैं, आपका ORVM मिरर में हमने रिले लगाई थी, बस यही था। बाकी एंड्रॉइड तो आपके यहाँ जाके पता चला मुझे इसका, ठीक है, अपना क्रूज क्रूज कंट्रोल कंट्रोल का, का, ठीक तो है, आपने बताया कि बोला हम लगा देंगे। ठीक है। तो सर जो आपने कैलिब्रेशन कराई थी, कैलिब्रेशन कराने के बाद और कैलिब्रेशन से पहले हाँ जी, आपको कुछ फर्क नजर आया कि हमसे कैलिब्रेशन करने के बाद आपको, मतलब चलाने में गाड़ी या कैमरे का व्यू नहीं, कुछ फर्क आपके नजर आया? पास आने के बाद बहुत अच्छा, कैमरे की सेटिंग बहुत अच्छी हुई, ठीक है जी अब बिल्कुल क्लियर हो रखा है। जब उस टाइम पे तो ऊपर नीचे हो रखे थे जी कैमरे। जी हाँ जी तो मैंने आपको पूरा चेक कराया था कैलिब्रेशन से पहले भी कि आपके कैमरे का जो व्यू है वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा था। जी सर तो सर उसके बाद आपने हमसे कहा कि क्रूज कंट्रोल इसमें लगाने हैं, जी, तो क्रूज कंट्रोल क्योंकि मैंने भी इस गाड़ी में कभी लगाए नहीं थे, हाँ जी सर तो मैंने आपसे वक्त लिया था, जी सर तो इसमें लगभग मुझे 10 से 15 दिन के करीब लग गए। हाँ जी, तो 2 वीक सर लग गए थे, जी सर 2 हफ्ते लग गए थे। 2 हफ्ते लगभग इसमें लगे हैं, हाँ जी और उस 2 हफ्ते में सर आपने मुझे 2 बार गाड़ी दी है अपनी हाँ जी, 2 बार काम दीजिए। करने के लिए। तो हाँ जी आपने भी सर कहीं ना कहीं हम पे भरोसा किया, हाँ जी अपनी सर गाड़ी हमें दी और हमने एक तरह से मान लो एक्सपेरिमेंट किया इस गाड़ी के ऊपर, हाँ जी सर तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब भी हुआ। जी सर और अब आप सर उसको क्रूज कंट्रोल को आपने यूज किया है? हाँ जी, किया है यूज किया। यूज किया है, हाँ जी सर, कोई दिक्कत आपको नहीं लगी? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ठीक परेशानी है। नहीं है। और सर ये काम करने के बाद गाड़ी के अंदर आपका कोई एरर या कोई और प्रॉब्लम नहीं आपको नहीं लगा, कुछ ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई हो? महसूस नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं हुई? नहीं। तो आपने गाड़ी चला के देखी क्रूज कंट्रोल के हाँ ऊपर? जी, चलाइए मैं इसको। ठीक है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे मतलब हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में? नहीं, मैं बहुत अच्छे से मतलब संतुष्ट हुआ आपके काम से भी, और आपके धन्यवाद जाने के बाद मुझे जो आपका वहाँ का मतलब जो बिहेव स्टाफ। लगा स्टाफ का, जी बड़ा जी जी अच्छा रहा। और ठीक मैं है, आप ही लोगों के भरोसे पे अपनी नई गाड़ी 2 दिन छोड़ दी थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके लिए तो हाँ आपका धन्यवाद है जी सर जी। हम भी इसीलिए कामयाब हो पाए क्योंकि आपने हमें वक्त दिया, जी सर अगर आप भरोसा ना करते या गाड़ी ना देते तो शायद हम भी इस काम को ना कर पाते, हाँ जी क्योंकि सर उत्तराखंड में ही आपकी पहली गाड़ी है जी जिसके सर अंदर क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हुआ। दूसरी चीज,
गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग कटिंग वगैरह की शिकायत है, आपको लगा हमने कोई गाड़ी की वायर काट दी या कहीं से गाड़ी आपकी डैमेज कर दी या कोई स्क्रैच वगैरह गाड़ी में आपको मिला हो? कहीं कुछ नहीं हुआ, मेरे जैसे दिया था मैं ऐसे ही मिली है गाड़ी। ठीक है, कोई कहीं कटिंग नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं गाड़ी पे। ठीक है, तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कोलिशंस वालों का। जी जी नहीं सर, धन्यवाद। मैं मतलब मेरी गाड़ी सिर्फ एक सनरूफ नहीं खुलता, बाकी टॉप रूम टॉप मॉडल बन चुकी है। मैं एक बार दिखा देता हूँ छत की तरफ भी, क्योंकि लोगों का कहना था कि भाई ये तुम जो है फेक वीडियो बना रहे हो। अच्छा, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि ये फेक वीडियो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रूज ऑन हो जाए सिग्मा मॉडल में। तो एक बार मैं गाड़ी अंदर से पूरी दिखा देता हूँ, जिनको गाड़ी के बारे में नॉलेज है वो देख भी लेंगे कि इसमें ये बेस मॉडल गाड़ी ही है। अभी तो अलॉय भी नहीं चेंज कराए हमने। नहीं सर, अलॉय भी लगा के देंगे आपको। तो सर मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि आपने अपने इतने व्यस्त टाइम में से, सर जो है फौज में है और सर ने मेरे लिए वक्त निकाला, मतलब लंच टाइम था इनका, उन्होंने जैसे भी करके अपना वक्त मुझको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वीडियो बनाने के लिए टाइम दिया, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।